साथ हमारे सहयोगी रोहित कुमार भी बने हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रोहित, आप बताएं वोटिंग को लेकर क्या परसेंटेज, क्या अपडेट अब तक सामने आ पाया है? देखिए सुप्रीत, अगर परसेंटेज की बात कर ली जाए तो अभी ऑफिशियल डाटा जो है वो नहीं आ पाया है, लेकिन अगर माहौल की बात कर ली जाए, बूथ की माहौल की बात कर ली जाए तो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि अब धीरे धीरे एक तरह से मतदाताओं में जोश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहले जिस तरह से हमने आपसे तस्वीरें साझा की थी तो उस दौरान जो है इक्का दुक्का लोग ही वोट डालकर जाते नजर आ रहे थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कतार लगनी शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि महिलाओं की तादाद जो है, जो स्पेशल एक तरह से इस बूथ की अगर एंट्री की बात करी जाए, 56 नंबर ये बूथ है, इसमें दो जगह बनाई गई है, दो जगह पोलिंग का काम चल रहा है। तो दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं, 56 और 57 नंबर बूथ है। 56 नंबर पर कम महिलाएं हैं, लेकिन 57 नंबर की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। और इसी बूथ पर कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ उनके पारिवारिक सदस्यों ने भी वोट कास्ट किया था। अगर बात करी जाए जसमा देवी की, रेणुका बिश्नोई की, भव्य बिश्नोई की, वो भी यहीं पर सबसे पहले वोट डालने वहीं पहुंचे थे। करीबन 7 बजे के करीब जो है उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। आपसे कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि यहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी जो जयप्रकाश है वो भी एक तरह से दौरा करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि तमाम उम्मीदवार जितने भी हैं वो भी अपने अपने तरीके से इस चुनाव को देखते नजर आ रहे हैं, माहौल का जायजा लेते नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश उस वक्त करेंगे। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि महिलाएं यहां पर पहुंची हैं, इसके साथ साथ कुछ और लोग भी पहुंचे हैं। तो एक तरह से मतदान को लेकर जिस तरह से धीरे धीरे उत्साह बनना चाहिए था वो माहौल जो है अब बनता नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करी जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से ही पूरे आदमपुर में ये चुनाव चल रहा है। कहीं से भी किसी भी प्रकार की हिंसा की कह लीजिए या फिर किसी भी प्रकार की गड़बड़ की, इस तरह की कोई भी अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं आई है। कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर ले। भाई साहब, वोट डालने आप पहुंचे हैं, आदमपुर में क्या कुछ दिक्कतें लगती है, मुद्दे क्या लगते हैं आपको जिस पे ये चुनाव हो रहा है? ये मत बताइएगा कि किसको वोट डालेंगे, सिर्फ मुद्दे बताइएगा कि कौन कौन से मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। मुद्दे तो यही पानी की व्यवस्था के लिए, सीवरेज की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और सड़कों की, बस ये 3 मुद्दे यही है और कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, और किसी को पर्सनली काम नहीं चाहिए, बस यही काम चाहिए कि ये काम होने चाहिए। और क्या क्या दिक्कतें लगती हैं इस पानी बिजली के अलावा, और क्या क्या दिक्कतें लगती है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम सही है। आप बताइए जी, आपको क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या लगती है? दिक्कत नहीं है सर, बस एक आधी सड़क है, सीवरेज है, वो बिछड़ी है, अभी पाइपलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। बिल्कुल सही है, एकदम ओके। लगता है इस चुनाव के बाद तकदीर बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी, 101% बदलेगी। इस तरह की बातें जो है इनकी तरफ से कही जा रही हैं। देख सकते हैं कि मुद्दे की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से विकास का मुद्दा जो है काफी अहम है, साथ ही साथ अगर रोजगार की बात कर ली जाए तो वो भी मुद्दा है। यहाँ पर कुछ और भी या वोटर्स जो है वो पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने वोट डाल दिया जी? जी। निशान दिखा दीजिए, देखिए कहाँ, ये रहा। अच्छा, आदमपुर में क्या कुछ दिक्कतें लगती है, वोट किसको दिया ये मत बताइएगा, वो आपका पर्सनल वो है, लेकिन आदमपुर में विकास की बात या फिर जो मुद्दों की बात होती है जिन पे इलेक्शन होता है, क्या कुछ मुद्दे लगते हैं आपको? हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि जो सड़कें खराब हुई पड़ी है ना वो ठीक होनी चाहिए। पहले तो सीवरेज है, जहाँ से भी गुजरो बदबू ही बदबू है। अच्छा। तो इसलिए उसका सुधार करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से ये नेता एक दूसरे पे बयानबाजी करते हैं और कहते हैं कि हम काम करवा देंगे, उम्मीद लगता है कि अब आदमपुर का सुधार होगा? होगा जरूर, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, कोई भी है इसका हमारा कोई वो नहीं है, जिस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी वो नेचुरली बात है विकास करेगा, विकास नहीं करेगा तो फिर ही है। तो आप कितने सदस्य पहुंचे हैं यहाँ पर? हम 4 बहनें रहती हैं वहाँ पर। अच्छा। चारों आई हुई हैं। अच्छा, आप तो आगे, लेकिन अभी भी युवा वर्ग जो है काफी नदारत नजर आ रहा है, आप उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि घरों से बाहर निकलिए, वोट करिए? नहीं, ये तो हमारा काम नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से आपने इनकी भी बातें सुनी कि मुद्दे अनेक हैं, लेकिन जो भी प्रत्याशी जीते वो आदमपुर के बारे में सोचे, आदमपुर की आवाज को उठाने का काम करे, इस तरह की बातें जो इनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर माहौल जो है अब धीरे धीरे बदलने लगा है। तमाम सियासी राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करी जाए, दावे उनकी तरफ से अपने अपने पक्ष को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन माहौल किस तरह से बनेगा और क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो 6 तारीख को पता लगेगा। लेकिन तमाम प्रत्याशियों का एक तरह से परीक्षा की घड़ी जो है वो आज चलती नजर आ रही है।